में हमारा है सम का है सबसे पहले, ठीक है। सम फंक्शन कैसे यूज होगा, सम इफ, काउंट, काउंटे, काउंट इफ, एवरेज, एवरेज ए और एवरेज इफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमें इन सभी का ना सम निकालना है, हमें इन सब का हमें टोटल चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं बिगर फंक्शन लगाए हुए नीचे चेक कर सकता हूँ इसे सेलेक्ट करके ही। सिर्फ मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे और नीचे जब मैं आया तो 652,000 यहाँ पे आ रहा है आपका, 6,52,455 रुपीज टोटल जो अमाउंट है हमारा, ठीक है। और इसका हम फंक्शन कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है सम है इक्वल SVM सम। और फंक्शन को इंसर्ट कराने के हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दूं तो फंक्शन मेरा इंसर्ट हो जाएगा, और रेंज को हम कर लेंगे सेलेक्ट। तो एंटर जब मैं करूंगा तो जो सम मुझे नीचे दिखाई दे रहा था ना पहले सेलेक्ट करने पर, वही सम क्या है मुझे वो यहां भी दिखाई देगा, मेरा इधर भी आएगा जो यहां पे है। ये तो है कि बिगर कोई फंक्शन लगाए बगैर आप उसे चेक कर सकते हो। उसे जब फंक्शन हमें जब टोटल करना होगा तो आपको ना फिर यहाँ पे फंक्शन लगाना होगा, तो आप ये चेक कर सकते हो कि जो ये वाला सम है और ये वाला सम क्या दोनों का इक्वल है। तो इसका मतलब हमने जो फंक्शन अप्लाई किया है ना सम का वो हमारा ठीक है। तो सम जो चलता है ना वो हमेशा अमाउंट्स पर ही चलता है, एक साथ अनेक अमाउंटों का क्या है वो सम निकाल के हमें देगा, ठीक है ना, अनेक अमाउंट का सम देगा हमें। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट का चेक कर रहे हो तो उसका निकाल के देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डेट का निकालना है सम, एक डेट का चाहिए सिर्फ, ठीक है। वैसे तो ये तो इकट्ठा दे रहा है मुझे, ये क्या है इससे मेरा जो सम आ रहा है वो सभी का सम निकल के आ रहा है इससे, पर मुझे निकालना है एक डेट का सम, ठीक है। एक डेट का सम हम कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए, हमने क्या इसे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है। अमाउंट्स को हम करेंगे यहाँ पे कॉपी। तो उसके लिए ना जब हमें एक आइटम का सम निकालना हो, चाहे डेट वाइज निकालना हो, प्रोडक्ट वाइज निकालना हो, सिटी वाइज निकालना हो, चाहे अमाउंट बेस भी निकालना हो, तो सम इफ चलेगा उधर, इक्वल सम इफ। रेंज क्या है मेरे पास, तो ध्यान देना जहाँ पे डेट है ना वो पहले कॉलम में होनी चाहिए डेट। ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट से और डेट है पहले कॉलम में तो आंसर नहीं देगा हमें, तो डेट पहले ही कॉलम में होनी चाहिए। कंप्लीट रेंज कर लेनी सेलेक्ट कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास डेट ही तो है, डेट को हम कर लेंगे सेलेक्ट कॉमा। अब सम रेंज क्या है मेरे पास, सम में हम क्या करेंगे ये जो अमाउंट है ना इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो मुझे ना ये 20 तारीख में जितनी भी मेरी टोटल सेल हुई है ना ये उन सब का मुझे सम दिखा रहा है, जो टोटल 20 डेट में जो हमारी सेल हुई है। अब 20 जनवरी की जो सेल हुई है आपकी, देखिए यहाँ तक इनको मैं ये 20 का ही रिकॉर्ड है हमारे पास, और दो रिकॉर्ड मेरे पास 20 के, तीन रिकॉर्ड अभी नीचे हैं 3 जनवरी के, ठीक है। तो इनके सामने वाले अमाउंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 20 का सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल दबाएंगे, अगले को सेलेक्ट करने के लिए हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे इनका सम देखिए कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 3,53,667 रुपये आ रहा है, और यही हमारा आंसर आया था। तो हमें एक रोड का निकालना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक डेट का भी निकाल सकते हैं। अब मैं देखना डेट चेंज करूंगा इधर, मुझे निकालना है 31 जनवरी का, टोटल सेल हमने कितनी करी 31 जनवरी को, अरे यहाँ पे एंटर कर देना 31 जनवरी का आ गया। मुझे निकालना 1 फरवरी का, कॉपी करेंगे यहाँ एंटर कर देंगे 1 फरवरी का आ गया, ठीक है। हाँ हमें निकालना है प्रोडक्ट वाइज। अब प्रोडक्ट में क्या है, जैसे आपका कंट्रोल दबा के इन्हें सेलेक्ट कर लूंगा मैं, कंट्रोल सी से कॉपी और एंटर करो। तो मुझे क्या है जो अमाउंट निकालना है मुझे ना, अब प्रोडक्ट वाइज सम चाहिए मुझे निकालना है माउस का। अभी तक हमने टोटल जो सेल हम कर चुके हैं माउस वो हमारे कितने के सेल हो गए, इक्वल, और यहाँ पे हमने क्या करा इक्वल है, और यहाँ पे सम इफ। रेंज क्या है, तो ध्यान देना इस बार ना प्रोडक्ट से सेलेक्ट करूंगा ना कि डेट से, क्योंकि डेट से मेरा क्राइटेरिया है ही नहीं, मेरा क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट है। कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास ना माउस है। कॉमा समरेंज में क्या करेंगे, जो अमाउंट वाला जितने भी हमारी रो है उनको सेलेक्ट कर लेंगे सभी को और एंटर कीजिए। वैसे यहाँ पे हमें कुछ परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, डेसिमल पार्ट्स में आ रहा है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए डेसिमल पार्ट को। तो आपका जो माउस की जो टोटल सेल हुई है 94,636 रुपये की। अगर हम चेक करें मैनुअली, पहले देखो यहाँ पे माउस है ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और देखिए माउस कहाँ पे, मैं कंट्रोल दबा के अब अगले को सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल दबा कर। तो नीचे आप देखिए 94,636 ही मुझे क्या है इनका सम हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ अन्य प्रोडक्ट का चेक करना,
मुझे मॉनिटर का सम निकालना है, तो मैंने मॉनिटर को एंटर करूंगा तो मॉनिटर का सम दिखा देगा। जॉयस्टिक को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंटर, तो जॉयस्टिक का आ गया। आपको लैपटॉप का सम चाहिए, कॉपी कीजिए और लैपटॉप का सम आ जाएगा। तो कितना आसान है, एक बार मैं फॉर्मूला सेट कर दो, आइटम को चेंज करते रहो, उसका सम हमें क्या है दिखाता रहेगा। परंतु कई बार क्या होता है कि देखो मेरे पास यहाँ डेल का कीबोर्ड है, मेरे पास यहाँ क्या डेल का कीबोर्ड है, और मैं एक कीबोर्ड यहाँ एंटर कर देता हूँ, मैं इसकी जगह एक कीबोर्ड ले लेता हूँ, सिर्फ एक कीबोर्ड इधर है। तो देखो यहाँ पे डेल का भी कीबोर्ड है, एचपी का भी कीबोर्ड है। मैं चाहता हूँ जितने भी इसमें कीबोर्ड है ना, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी कंपनी के कीबोर्ड हों, उन सब का मुझे सम चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करूँगा, पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। चाहे किसी भी कंपनी का क्या हो, कीबोर्ड हो, सब का सम चाहिए। तो देखना उसके लिए क्या यूज करने वाला हूँ मैं इस बार। इसे यहाँ से एंटर करो इधर, और यहाँ पे क्या इक्वल सम इफ, रेंज क्या है मेरे पास, तो प्रोडक्ट से हम क्या है इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट रेंज को, डेट को छोड़ देंगे क्योंकि डेट तो मेरे पास क्राइटेरिया नहीं है। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है मेरे पास है कीबोर्ड, कॉमा सम रेंज क्या है, मैं करूंगा अमाउंट को इसको सेलेक्ट। तो आप देखेंगे ये ना सिर्फ आपको एक कीबोर्ड का सम दिखाएगा 20,000 रुपये, मतलब कीबोर्ड तो इसमें और भी है ना, एचपी का है, डेल का है, और भी नीचे कीबोर्ड है, तो हमें सबका सम चाहिए। तो हम पता क्या करेंगे, अगर कंपनी उसके पीछे है और हमारा कीबोर्ड आगे है, तो इसके जहाँ पे हमने कीबोर्ड क्राइटेरिया ले रखा है ना, उसके पीछे ना एक स्टार लगा देना आप, तो जितने भी इसमें कीबोर्ड होंगे ना सबका सम निकाल के दिखा देगा आपको। कितना है, 2,34,152 रुपये। अगर कीबोर्ड का कोई सीरियल नंबर होता, देखना मैं आप सीरियल नंबर डालता हूँ, जैसे मान लो भाई इसका नंबर है, स्पेस बार दबाया एंटर कीजिए, कम हो गया ना, ये घट गया इसमें से। जब उसके आगे कोई सीरियल नंबर है और हमें सिर्फ किसका चाहिए, कीबोर्ड का सम चाहिए, तो इसके आगे एक स्टार लगा देना, उसके आगे कुछ लिखा हो, पीछे कुछ लिखा हो, बीच में से ले लेगा वो, तो देखो टोटल आ गया, फिर से वही सम आ गया ना। तो दोनों स्टार लगा के भी आप निकाल, इसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड, ये वाइल्ड कार्ड होता है हमारा, ठीक है। हम चाहते हैं जितने भी डेल के प्रोडक्ट हैं उन सब का मुझे सम चाहिए, जहाँ डेल तो है नहीं ऐसा, पर कीबोर्ड डेल का है, अलग से डेल नहीं है, पर उनके प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसे कॉपी कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ पे मुझे क्या डेल का निकालना है, चाहे वो कीबोर्ड हो, लैपटॉप हो, माउस हो, कोई भी प्रोडक्ट हमारे सामने हो, ठीक है। इसको हम क्या यहाँ से कॉपी करेंगे, एंटर कीजिए, इक्वल सम इफ, रेंज क्या है प्रोडक्ट से सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया क्या है डेल है, कॉमा सम रेंज अमाउंट को करेंगे सेलेक्ट, और इसे एंटर कर दो। 0 रिजल्ट ला के दे रहा है ना, क्योंकि डेल इसमें कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। अब देखिए डेल पीछे कंपनी का नेम है, प्रोडक्ट के पीछे है वो, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले ना एक स्टार लगा दें, उससे पहले चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो देखना जितने भी डेल के प्रोडक्ट होंगे सबका सम आ जाएगा निकल के। तो देखिए डेल का मेरे पास एक इधर है, ये बार हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और एक डेल का ये है मेरे पास, तो देखिए दोनों का सम नीचे भी आ रहा है, सेम आ रहा है ना वही। तो इस तरीके से क्या है, हम वाइल्ड कार्ड का प्रयोग करके भी कंपनी वाइज भी हम क्या है अमाउंट का सम कर सकते हैं। इस बार देखिए हम करते हैं एचपी का सम, एचपी का कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे मेरे पास एचपी कंपनी है, ठीक है, एचपी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनका सम चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, जो भी है हमारे पास प्रोडक्ट उनका, हम क्या करेंगे इक्वल सम इफ रेंज क्या है, तो हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया क्या है एचपी है, कॉमा सम रेंज अमाउंट वाले कॉलम करेंगे सेलेक्ट, और इसे कर दीजिए एंटर। तो यहाँ पे नहीं आया, तो क्या करेंगे, एक स्टार लगा दीजिए इससे पहले, आपका सम आ जाएगा, जितने भी एचपी के प्रोडक्ट हैं उनका सम निकल के आपके सामने आ गया। अब हम चाहते हैं सिटी वाइज हमें सम निकाल के दिखाए, तो इसलिए मैंने क्या करा, एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सम इफ से आपको ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे चल के। अब देखना सम इफ से हम करने वाले हैं सिटी का, तो हमने क्या करा कॉपी, और हम सिटी वाइज सम चाहते हैं, सिटी वाइज हमें क्या है सम निकाल के दे हमें। मैंने साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब मैं इसको इधर ले लेता हूँ, तो मुझे चाहिए सिटी वाइज सम, ठीक है। तो मैं अमाउंट को करूँगा कॉपी और एंटर, इक्वल सम इफ रेंज क्या है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है दिल्ली, कॉमा
पर ये अब देखिए आंसर आपको जीरो दिखाई देगा, बताओ जीरो क्यों आ रहा है इसका आंसर? गलत बोल रहे हो। इसमें क्या करना, हमें सिटी से ही सिलेक्ट करना है रेंज को, ध्यान देना, स्टूडेंट्स भी ना करेंगे सिटी से, तो यही सिलेक्ट होंगे दो बस। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, दिल्ली, कॉमा सम रेंज में क्या है, ये सिलेक्ट कर लो। ये देखिए दिल्ली सिटी वाइज सम निकाल दिया है मैंने। आपको चाहते हो कि भाई गुरुग्राम का सम आ जाए तो कॉपी करो इसे, एंटर पेस्ट मार देना एंटर करके, तो गुरुग्राम का सम आ गया एक क्लिक से हमारे पास। नोएडा का चाहिए, नोएडा कॉपी करा एंटर कर दिया, ये लीजिए ये आ गया। तो ये तो हमारा है सम इफ का यूज करना। अब अगला है काउंट फंक्शन, काउंट काउंटे काउंट इफ। काउंट क्या करता है, गिनना, काउंट करना कितने सेलों में संख्याएं हैं। तो हमने क्या करा, इक्वल काउंट, ये हमने क्या रेंज सेलेक्ट कर लिया। देखना मैं ऊपर से सिलेक्ट कर रहा हूं अमाउंट से, तो ये अमाउंट को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ ये नंबर को काउंट कर रहा है। देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह, तो ये 14 हमारे पास संख्याएं हैं। तो अमाउंट नहीं लिया रहा इसने, सिर्फ नंबर पे ही काउंटिंग जब भी चलेगा आपका नंबर को ही काउंट करेगा, ना कि वो टेक्स्ट को काउंट करेगा। परंतु मेरे पास जो अगला फंक्शन है वो क्या है, वो काउंट ए है, ठीक है काउंट ए, काउंट इससे अगला है मेरे पास काउंट ए है। अब काउंट ए को हम कैसे यूज करेंगे वो देखिए, काउंट है ना टेक्स्ट और नंबर दोनों के लिए होता है, चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो दोनों काउंट करेगा। देखो इक्वल काउंट ए, अब मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, इसका रिजल्ट 15 आएगा, जो कि सेम रेंज मैंने वहां की सिलेक्ट की थी, सेम मैंने इसका भी सिलेक्ट किया, क्या ऊपर से किया था रेंज, इसका भी सेम। तो इसमें क्या, इसने ना अमाउंट को भी ले लिया है और इसने क्या है नंबर भी हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम काउंट ए का जो प्रयोग है वो एज ए टेक्स्ट भी ले लेगा उसके अंदर। मान लो मैंने यहाँ पे एन ए दे दिया इसे, आप देखना यहाँ तो 13 हो जाएगा और यहाँ 15 ही रहेगा, क्यों, उसमें टेक्स्ट भी काउंट कर रहा है। तो ध्यान रखना है काउंट ए फंक्शन ना नंबर और टेक्स्ट दोनों के लिए यूज होता है, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों के लिए। जब हमें एक को काउंट करना है, एक डेट को हमें चेक करना है भाई हमारी इस डेट को कितनी सेल हुई है, उसको हमें काउंट करना, तो देखिए उसको हम कैसे निकालने वाले हैं। इधर मैं यहाँ पे काउंट करने वाला हूँ डेट वाइज, डेट वाइज क्या है काउंट इफ हम यूज करने वाले हैं, काउंट काउंट इफ इक्वल काउंट इफ। तो इस फंक्शन को यहाँ ना लगा के ना नीचे यूज करता हूँ, जगह नहीं है, दिखता नहीं है फार्मूला हमें, हम इसको नीचे ले लेते हैं। हम आए इधर इक्वल काउंट इफ, रेंज क्या है तो डेट से हम कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सिर्फ हम डेट को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्राइटेरिया क्या है, डेट ही तो है, मुझे ये चेक करना है कि इस डेट को कितनी सेल हो चुकी हैं, चार सेल हुई हैं, एक फरवरी को चार सेल हुई हैं, मुझे चेक करना है भाई 20 जनवरी को कितनी टोटल सेल हो चुकी हैं, एंटर करो 7 सेल हुई हैं, मुझे चेक करना है 31 जनवरी को कितनी सेल हुई हैं, यहाँ एंटर कर दो 3 सेल हुई हैं। तो हम क्या डेट वाइज जो है काउंटिंग कर सकते हैं, सम तो हमने देख लिया है, हमने काउंट लगा दिया, वो काउंट करके बता रहा है कि इस डे को हमारी टोटल सेल कितनी हुई है। हमें ये चेक करना है प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं, माउस कितने सेल हो चुके हैं इस महीने में, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, तो उसको करो यहाँ से कॉपी। और मुझे प्रोडक्ट में क्या चेक करना है, मुझे लैपटॉप काउंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट इफ यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, इधर काउंट इफ, तो इक्वल काउंट इफ, रेंज क्या है, तो रेंज में हमने क्या करा, ये प्रोडक्ट की लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है बस, कॉमा क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, इधर आ जाइए टेबल ले आओ, तो हमारे पास अब क्या है काउंट, हमें निकालना था लैपटॉप के हिसाब से काउंट करना पे इस महीने में टोटल कितने लैपटॉप सेल हो गए, तो हमने क्या करा कॉमा लगाया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया लैपटॉप को, एंटर कर दीजिए आपके दो लैपटॉप सेल हुए। कोई अन्य प्रोडक्ट चेक करना है जैसे जॉयस्टिक चेक करनी है मुझे, तो हमने क्या करा जॉयस्टिक आप एंटर कर दीजिए, एक सेल हुई है। प्रिंटर कितने सेल हुए,
कॉपी करा, एंटर करा, दो सेल हुए हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि डेल के कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं टोटल, डेल के कितने प्रोडक्ट सेल हुए, चाहे वो लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, माउस हो, कोई भी है। तो यहाँ पे ना मैं डेल करूँगा प्रेस, और यहाँ पे ना एक स्टार लगा देंगे डेल से पहले, ठीक है। कंपनी का नेम बाद में ही तो है, उससे पहले चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो स्टार लगा दीजिए, दो प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से मैं एचपी का भी, अगर मैं यहाँ पे मैंने एचपी प्रेस कर दिया एंटर, इसके भी कितने, दो ही प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो। सिटी वाइज काउंटिंग चाहिए, सिटी के हिसाब से हमें काउंटिंग करनी है। तो देखिए सिटी के हिसाब से हम काउंटिंग किस तरह करेंगे। मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी ऊपर से, और इधर इसे कर देता हूँ मैं पेस्ट। तो हमें सिटी वाइज क्या है, काउंटिंग चाहिए, काउंटिंग फंक्शन का ही यूज़ करके। इक्वल काउंटिफ, रेंज क्या है, सिटी है, सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, नोएडा, और एंटर कीजिए। चार, चार सेल हुई हैं आपकी, किस सिटी के अंदर, नोएडा में, मतलब चार बार आपकी सेल हुई हैं, फोर टाइम आपने सेल किया सिटी, नोएडा सिटी के अंदर। दिल्ली में चेक करना है, दिल्ली में टोटल सेल कितनी बार कर चुके हैं अब तक, सिक्स टाइम, ठीक है। तो इस तरह काउंटिंग से आप काउंटिंग कर सकते हो। अगला है एवरेज। एवरेज का ना पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, एवरेज वर्क कैसे करता है भाई। जैसे आपने मार्क्स प्राप्त करें 452 रुपये हैं, 52 मार्क्स हैं आपके, और ये हमारे मार्क्स हैं 500 में से, तो हम ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, 5 से डिवाइड कर देते हैं उसे, ये एवरेज ऐसे निकाल के दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने कर लिया ये सेलेक्ट, तो हमें ना इनकी एवरेज चाहिए। अगर इसे मैं सेलेक्ट करूंगा ना, पहले इनको क्या करेगा, सबको जोड़ेगा, जितने ये सेल होंगे उसे डिवाइड कर देगा उसको। देखो 14 काउंटिंग है, एवरेज दिखा रहा है 46,604, टोटल सम कितना आ रहा है, 652,455। तो पहले इसका सम निकाल के देखिए, इसका मैं सम निकाल के दिखाता हूँ इधर। इक्वल सम, और हमने क्या है, ये सेलेक्ट कर लिया, इसे एंटर करो, अब इसको डिवाइड कर दो कितने से, 14 से, इसको सेलेक्ट करके डिवाइड कर दो 14 से, आंसर वही आएगा जो भी निकाला था, एवरेज वही आ रही है ना। तो यही एवरेज मैं यहाँ से निकाल दूंगा, एवरेज फंक्शन का प्रयोग करके देखना कैसे। अब हम एवरेज फंक्शन इधर यूज करेंगे, तो हमें एवरेज यूज करने वाला हूँ, एवरेज। हमने यहाँ पे एवरेज यूज करा, और यहाँ पे देखिए मैं इक्वल एवरेज, एवरेज में नंबर सेट कर लो सारे सारे, और एंटर प्रेस कर दो। अब क्या हुआ, वही एवरेज आ रही है ना निकल के, हाँ इसे डेसिमल पार्ट कम करेंगे तो वही 4 आ जाएगा आंसर, आ गया ना। तो ये काम ना फंक्शन सेव कर सकता हूँ। दूसरा होता है एवरेज ए। अब एवरेज ए किस तरह वर्क करेगा वो समझ लीजिए। एवरेज ए में ना ये क्या करेगा, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ना मार्क्स हैं कुछ, अब मार्क्स क्या है, जैसे 45, ये कुछ मार्क्स है, बच्चा एक में एबसेंट भी रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैसे एवरेज निकालूं एवरेज फंक्शन से, अगर मैं एवरेज डायरेक्ट निकालता हूँ, ये ना 4 से डिवाइड करेगा, ए को नहीं लेगा, ये सर डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर रहा है। अगर मैं एवरेज ए करूंगा तो देखना एवरेज कम हो जाएगी, क्यों, फ्री है ना, इसको जोड़ लेगा, इसमें नंबर तो 4 के जोड़ेंगे पर डिवाइड करेगा 5 से, एवरेज इस तरह काम करेगा। तो एवरेज ए, और ये हमने कर लिया क्या, ये सेलेक्ट कीजिए आप, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, ये 5 से डिवाइड करेगा, 51% आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो नीचे देखिए कितना आ रहा है, 257 है टोटल मार्क्स, एवरेज कितनी है, 64 है, नहीं तो 64 ही दिखा रहा है हमें। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता तो फिर हमारे पास क्या, 257 को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 5 से कीजिए, 257 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 5 से, यही एवरेज यहाँ आ रही है मेरे पास। तो समझ आया ना, एवरेज और एवरेज ए में अंतर क्या है। तो एज ए टेक्स्ट भी ले लेगा, उसको टेक्स्ट से भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, जोड़ेगा वो नंबर को, पर इसे भी वो काउंट करके उसे डिवाइड कर देगा, एवरेज इफ। अब एवरेज इफ किस तरह चलेगी वो समझिए, एक प्रोडक्ट की एवरेज निकालना, ठीक है, एक आइटम की एवरेज निकालना, मुझे डेट वाइज एवरेज निकालनी है, इस डेट को कितनी एवरेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम एवरेज निकालने वाले हैं एवरेज इफ फार्मूले का प्रयोग करके इधर, और यहाँ पे हमने क्या, इक्वल एवरेज इफ, रेंज क्या है, रेंज, रेंज क्या है हमारे पास, तो रेंज में हमने
ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये हो गया मेरे पास। कॉमा, एवरेज रेंज में क्या करेंगे, ये जो कॉलम इसको सेलेक्ट करना होगा, ध्यान देना, एवरेज रेंज का मतलब जहाँ से एवरेज निकालनी है, नंबर सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर दीजिए। तो आपकी जो एवरेज है वो डेट वाइज आ रही है, 20 तारीख को, मतलब जो एवरेज है, जो सेल आपकी हुई है ना, वो इतना आ रहा है आपका। इसे मैं डेसिमल पार्ट को हटा देता हूँ, 50,524। अगर डेट को मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे चेक करना है 20 जनवरी, और एंटर कर दीजिए इसे। अच्छा, वो ऑलरेडी है पहले से, 31 जनवरी को कॉपी करो और यहाँ एंटर पेस्ट करेंगे तो 52,929 रुपये आ रहा है। तो इस तरह आप एवरेज निकाल सकते हो। आपको निकालनी प्रोडक्ट वाइज एवरेज, तो देखिए प्रोडक्ट वाइज एवरेज कैसे निकालेंगे। मुझे लैपटॉप की एवरेज निकालनी है, भाई हमारी जो लैपटॉप की एवरेज है वो कितनी आ रही है। अगर दो सेल होंगे, पहले उनको जोड़ेगा पर दो से डिवाइड कर देगा, तो एवरेज कहलाएगी हमारी। एवरेज इफ से ही एंटर कर दो, इक्वल एवरेज इफ रेंज क्या है, तो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, लैपटॉप है। कॉमा, एवरेज रेंज क्या है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ये क्या है, एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपकी लैपटॉप की एवरेज आ गई निकल के। एक बार चेक करें मैनुअली, तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप कहाँ है मेरे पास, एक ये रहा। अब कंट्रोल दबा के अगले लैपटॉप सेलेक्ट कर लो, एक एक ये रहा। अब नीचे देखिए सम कितना आ रहा है, 43,667 आ रहा है यहाँ पे। ऐसे कैसे, एक लैपटॉप मेरे पास इधर है और एक 25,000 का इधर है। एक सेकेंड, मैं ऐसा करता हूँ कि एक लैपटॉप को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इधर कॉपी करा इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। वैसे तो ठीक है आंसर, तो चलो दोबारा देखते हैं इसी बार, हम दोबारा करते हैं फिर से। एवरेज इफ रेंज में हमने कर लिया सेलेक्ट ये यहाँ तक। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, लैपटॉप है। कॉमा, एवरेज रेंज क्या है, अमाउंट रेंट, तो 34,333 आ रहा है। तो अभी देखें दोबारा कितना आ रहा है, लैपटॉप यहाँ सेलेक्ट किया और एक लैपटॉप मेरे पास ये रहा, ये तो गलत आ रहा है आंसर। एवरेज, सॉरी हम एवरेज देख रहे ना, हम सम चेक कर रहे हैं, आ गया ना 34,333 ही आ रहा है, सही है, एकदम सही आया आंसर। हमें माउस का एवरेज चेक करना है, कॉपी करा इसे यहाँ एंटर, 47,318। तो सम भी हमने सीख लिया है, सम इफ से एक आइटम का, काउंट इफ से काउंट करना है प्रोडक्ट को, और एवरेज इफ से हमने क्या देखा कि एक प्रोडक्ट की क्या है, हम आसानी से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं।